नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश। और दोस्तों, आज एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करवाने वाले हैं जो अगर मंच पे खड़े हो जाए तो श्रोतागण हंस हंस के मर जाए, जो अगर किसी शो में चले जाए तो मेरे ख्याल से लोग टीवी से चिपक कर उनकी कॉमेडी सुने, अगर वो नाना पाटेकर की मिमिक्री करे तो स्वयं नाना पाटेकर साहब बोले कि अच्छा है भैया, ये तो मुझसे भी अच्छी करता है। तो आज एक ऐसे कलाकार से, ऐसे फनकार से, एक ऐसे किरदार से आपको मिलवाना चाहेंगे जो कहीं ना कहीं जिन्होंने मंचों से शुरुआत की। और कहते हैं कि एक मिसाइल जब फायर होता है तो स्टार्टिंग में धीरे धीरे जाता है, और आज वो बिल्कुल आकाश नहीं, अंतरिक्ष में, पूरे विश्व में, पूरे इंडिया में कॉमेडी की जो है एक अलग को जलाए हुए हैं, और काफ़ी सारे कॉमेडियन उनसे सीखते भी हैं। तो आज आपको बिल्कुल ये सस्पेंस को ओपन करते हैं, रिवील करते हैं, आइए आपको मिलाते हैं कॉमेडी के सबसे बड़े जादूगर से, नादन हमारे साथ है सुनील पाल सर। वेलकम है सर आपका। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका और हमारे प्यारी सी न्यूज 29 इंडिया का, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर अगर बात करें तो हम सभी जानते हैं कि कैसे आपने स्टार्ट किया, ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो में आप आए, फिर कहीं ना कहीं फिल्मों की बात करें, सीरियल्स की बात करें, अब आप खुद फिल्में भी डायरेक्ट करते हैं। तो सर सफ़र कैसा रहा, क्या बहुत आसान था सुनील पाल के लिए ये सब सीढ़ियों का मिलना, या फिर बहुत क्रिटिकल था? सफ़र तो बहुत मुश्किल था, लेकिन मैं इसमें अपना क्रेडिट कम लूँगा। मुझे लगता है कि सफ़र के दरमियान जो लोग मुझे मिलते चले गए वो मेरी हिम्मत बनते चले गए, मेरे परिवार, मेरे दोस्त यार, मेरे मास्टर गुरुजन्स, हमारे लाइन के सभी कलाकार, और फिर परमात्मा की कृपा। ये मैं मुझे लगता कि इसमें इस वजह से मेरा ये सफ़र मुश्किल होते हुए भी मैं पार कर पाया। क्या बात है, क्या बात है। सुनील पाल सर के मुखारविंद से ऐसी चीज़ें सुनना थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि अधिकतर से हम आपसे कॉमेडी या मिमिक्री या किसी पे कोई हास्यात्मक टिप्पणी सुनते हैं। सर मुझे बताइए कि अभी जो सिनेरियो चल रहा है, कोई पकोड़े की बात कर रहा है, कोई बात कर रहा है कि इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है सर? कोई गले मिल रहा है, कोई उठो 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 कर रहा है, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है सर? मित्र, अगर तुम्हारा इशारा गैस की तरफ है तो मेरे प्यारे मित्र, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बात हिंदुस्तान में हजम हो गई, गैस की बात लोगों को हजम हो गई, क्योंकि ये बात तुमने नहीं, इन्होंने सुनी। इन्होंने, जब इनो होता है तो गैस हजम हो जाती है मित्रों, तो इन्होंने सुनी इसलिए गैस की बात हजम हो गई, और पकोड़े बनते रहेंगे मित्रों। और मेरे बात को अगर आपने इसी तरह से पकड़ा तो मुझे लगता है तुम्हें मैं राहुल का भक्त समझूंगा। मेरी बातों को दिमाग से सोचना, मैं जो कहता हूँ मित्रों उसके पीछे कुछ कारण होता है, इसलिए जैसे कॉमेडीज इज अ सीरियस बिजनेस, मेरी बातों को भी सीरियसली सुना करो। क्या बात है सर, कहीं ना कहीं आपने बिल्कुल सीरियसनेस से अपनी बातों को बताया। सर एक बात जानना चाहेंगे कि काफ़ी कमी लोग जानते हैं कि कैसे आपने बॉम्बे में रह के अपना करियर स्टार्ट किया। तो सर अगर स्टार्टिंग से कॉमेडी करने का शौक था सर, कि बस बॉम्बे में एज एन कोई काम की तलाश में आए थे और फिर सडनली कि भैया लोगों ने कॉमेडियन समझ लिया, कॉमेडियन बन गए? बचपन से एक्टिंग का शौक था, फिल्में देखता था, फिल्मी कलाकार की आवाज़ें नकल करता था, गाने गाता था, तो इस वजह से मुझे फिल्मों का बड़ा अट्रैक्शन था, और यही सोच कर बॉम्बे आया था मैं 1995 में कि बॉम्बे में एक्टर बनूंगा, कुछ कलाकार की आवाज़ें निकालूंगा, कहीं कुछ हो जाएगा मेरा, ऐसा मुझे सोच कर मैं आया था। जॉनी लीवर साहब को देखता था, उनके छोटे भाई जिमी मोज़ेस जो मेरे गुरु हैं उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, तो धीरे धीरे ये सिलसिला आगे बढ़ा। फिर लाफ्टर चैलेंज आया, उसमें आप लोग के आशीर्वाद से एक पहचान बनी, उसके बाद फिल्मों में काम मिलना शुरू हुआ, फिल्में मिली, देश विदेश में शोज़ किए, 3 फिल्में प्रोड्यूस कर दी, एक फिल्म भावना को समझो जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में गई, एक मनी बैक गारंटी, और अब तीसरी फिल्म मेरी तैयार है, आ रही है, एडिटिंग चल रही है, विग बॉस, एक गंजे आदमी की कहानी है, विग बॉस कॉमेडी फिल्म है। और सोशल मीडिया पर भी मैं कार्यरत हूँ, मेरी सोशल साइट जो है यूट्यूब चैनल बहुत हिट चल रहा है, जिसका नाम है सुनील पाल की चौपाल, तो बहुत लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं सुनील पाल की चौपाल, जिसमें मैं छोटे छोटे वीडियो बना के डालता हूँ, बहुत पसंद करते हैं, तो सुनील पाल की चौपाल भी चल रहा है और बाकी सब। तो मैं समझता हूँ कि माध्यम कोई भी हो, स्वस्थ और अच्छा पारिवारिक मनोरंजन करने की कोशिश करूँगा, ताकि
पूरा परिवार मेरे कार्यक्रम को देख सके। सर अगर अभी की बात करें तो कुछ यंग कॉमेडियंस आए हैं, हम जाकिर खान की बात करें या फिर जो कॉमेडी क्लब वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, तो मेरे ख्याल से वहाँ अभी आपने पारिवारिक कॉमेडी की बात की, बट वो कॉमेडी किसी और स्तर की है। वहाँ पे कुछ अश्लील शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है और यूथ उस पर हंसते भी हैं सर। काफ़ी महंगे उसके टिकट भी होते हैं, कॉरपोरेट सेक्टर होता है, हाई क्लास लोग होते हैं, एलिट क्लास लोग होते हैं। तो मैं बात करूँ सर, अगर एलिट क्लास लोग ही कहते हैं कि ये लोग गाली दे गाली देना, गाली बकना, ये छोटे लोगों की निशानी है, और वहाँ पर वो इन्हीं गालियों को सुनने जाते हैं, तो ये ऐसी कॉमेडी कहाँ तक सार्थक है सर आपकी नज़रों में? वो भी इंदौर की देन है जी। जोक्स अपार्ट, जो लोग देखने जाते हैं मुझे वो कसूरवार ज़्यादा लगते हैं बनिस्बत आर्टिस्ट के जी, क्योंकि उनके पास में, देखने वालों के पास में टीवी है, सोशल मीडिया पर बहुत अच्छे अच्छे और दूसरे कलाकार भी है, अच्छी फिल्में भी आती है, लेकिन लोग अगर वही देखने जाते हैं तो फिर कलाकार क्या करेगा? कलाकार को तो मज़े आ रहे हैं, उनको तो पैसे मिल रहे हैं इजीली, ठीक है, और वो कलाकार ये नहीं सोचते कि अपने परफॉर्मेंस से देश और दुनिया पे क्या असर पड़ेगा या परिवार पे क्या असर पड़ेगा, उसको तो अपना लाभ दिख रहा है, फ़ायदा दिख रहा है और दर्शक भी आ रहे हैं तो उसका काम बन रहा है। तो मुझे लगता है कि ये दर्शकों को भी अपनी सोच बदलनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, दर्शकों को अपनी सोच बदलना चाहिए। एक वो ज़माना था सर जब हम माता पिता के साथ टीवी पर बैठ के मेरे ख्याल से हर चीज़ देख सकते थे, आज कुछ ही चीज़ देख सकते हैं, वो भी थोड़ी देर बाद रिमोट ढूंढना पड़ता, रिमोट कहाँ चले गया। तो सर अगर ठीक है, इन बातों को यहीं छोड़ते हैं, कॉमेडी की ट्रैक फिर से हम पकड़ते हैं सर, क्योंकि आपको कॉमेडी के लिए जाना जाता है सर, मिमिक्री के लिए आपको जाना जाता है सर, थोड़ा सा हास्य हमारे दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए, बांगड़ुओं के लिए हो जाए सर। पहली बात तो ये कि इंदौर में जब भी मैं आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपने घर पर आया हूँ। इंदौर के हर बंदा बहुत प्यारा है, बहुत अच्छे लोग हैं इंदौर के लोग, और इंदौरी भाषा बहुत बड़ी प्यारी भाषा है। वो यहाँ पर हिंदी जो बोली जाती है, इसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि अ का उच्चारण नहीं होता यहाँ पर, कांग्रेस बोलना हो तो कांग्रेस बोलेंगे, और पैसा बोलना तो पैसा बोलेंगे, नॉलेज बोलना तो नॉलेज बोलेंगे, कॉलेज बोलना तो कॉलेज बोलेंगे। तो एक ऐसे एमपी का आदमी यूपी में गया तो दिन भर घूमने के बाद उसको लॉज चाहिए था जी। तो यूपी के एक आदमी से कहता, भाई साहब आपके शहर में लाजवाज है? आपके शहर में लाजवाज है? बोले नहीं, हम तो बेशर्म लोग हैं, हमारे पास तो कोई लाजवाज नहीं है। फिर एक आदमी जेंट्स बाथरूम के सामने खड़ा था तो मैंने कहा, भाई साहब अंदर कोई है क्या? बोले हाँ अंदर रानी है। मैंने कहा जेंट्स बाथरूम में रानी? तो बाद में पता चला वो रोनी था। अच्छा रोनी। तो मेरी शक्ल रोनी हो गई, रोनी हो गई। तो ये यहाँ पर बड़ा कि इसकी मिठास है। जैसे मैंने कहा, मैं किसी से पूछा, पता पूछा, मैंने कहा ये इंदौर में पंकज शर्मा का घर कहाँ है? तो बोले सामने एक चौराहा है। तो मैंने कहा वो ऐसा बता रहे थे जैसे कोई चोर आया है, सामने एक चोर आया है, उसके बाद दो चोर आए, उसके बाद तीन चोर आए। मैंने कहा कितने चोर आए? मैं चौटाला का घर नहीं पूछ रहा, शर्मा का घर पूछ रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो भाषा की जो मेलोडी है, और खाने पीने के मामले में यहाँ पर जो पोहा जलेबी, इसमें मैंने गाना भी बनाया था मनी बैग गारंटी में कि इनके लाने गए थे, उनके लाने गए थे, अपनी फूटी किस्मत हम आजमाने गए थे, तो उस पर तेरी आँखों का जादू दिन रात मुझ पर चले भी, तू है मेरे लिए जाने मन पोहा जलेबी, ऐसे कुछ तो गाना वो, तो वो बड़ा हिट होता। तो ये एमपी में, और एमपी का जो मैंने मतलब राजनीतिक मैं मुझे देखता हूँ, एमपी को उल्टा बोलो तो पीएम हो जाता है, तो एमपी को तो उल्टा बोल भी नहीं सकते आप, वो पीएम बन जाता है, और पूरे पूरे प्रांत के सीएम में और यहाँ के सीएम में फ़र्क ये है कि हर प्रांत का सीएम जनता को मामा बनाता है, यहाँ की जनता ने सीएम को ही मामा बना दिया। तो भैया ये हमारी कुछ एमपी की बातें जो खुद हम एमपी वाले होने के नाते नहीं जानते, लेकिन सर ने बड़ी अच्छी बोली। सर कुछ सवाल रहेंगे कि एक चीज़ की, ये रतन नूरा कहाँ से आया सर? आप मंचों पे आते हैं क्यों भाई? ऐसा पतला सा शरीर जो हवा के झोंके से धोखा दे जाता है, ये आया कहाँ से सर? 1995 में जो बॉम्बे आया था, एक छोटे से चाय की दुकान पर नौकरी कर ली, तो चाय की दुकान पर बहुत सारे कस्टमर आते थे, तो उनमें से इवन ऑफ द कस्टमर ये थे हमारे, हिंदी, बंगाली, गुजराती, मराठी, महाराष्ट्र, सभी लोग आते थे। उसमें हमारी रतन नूरा पी के टाटे थे, चाय पिलाओ, खाना खिलाओ, फोकट में नहीं खा रहा हूँ, पैसा दे रहा हूँ। और जो एक मद्रासी सीट था उस होटल का, बहुत फैटी था, मतलब पांच छह लोग समा जाए, तो उसको ये दुबला पतला जी बोलता था,
जल्दी दे, नहीं तो उठा के पटक दूंगा। तो ये जो उनसे जो कैरेक्टर मुझे मिला और सीखने मिला और रतन नूरा की आज मेरी पहचान। क्या बात है, सोचिए हम लोग कई बार चाय की दुकान पे ठियो पे, हमारे इंदौर में बोले सर तो यहाँ पे चाय की दुकान ठिया, ठियो पे हम जब जाते हैं, ठिया और ठेला, पान के ठेलों पे और ठियो पे जब हम जाते हैं तो वहाँ हम सोच भी नहीं पाते कि कोई व्यक्ति वहाँ से कोई किरदार पकड़ के मंच पर इतना उसे वर्ल्ड फेमस कर सकता है। सर 15 अगस्त है, माहौल है स्वतंत्रता का, माहौल है देशभक्ति का, तो अगर बॉलीवुड के कुछ सितारे आके अगर बधाई देंगे तो किस अंदाज में देंगे सर? अरे ये न्यूज़ 29 इंडिया, हाँ चक द इंडिया, चक द इंडिया, आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया, आप सबको इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आज़ाद रहिए, आबाद रहिए, हाय बादशाह रहिए, आई लव यू माई इंदौर, माई इंडिया। और धर्म जी, आज मुझे लग रहा है यहाँ कि आज़ादी का उत्सव मनाया जा रहा है और इसलिए जितने भी मेरे दोस्त हैं सबको 15 अगस्त की बहुत सारी शुभकामनाएं, और 15 अगस्त मनाने वालों को किसी ने डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो कुत्ते को मिलो, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। नवाज का करने दो बात, दिल से बधाई दे रहा हूँ, माँ कसम सबको, आप सब लोग मेरे परिवार के लोग हैं, माँ को, बाप को, भाई को, सबको 15 अगस्त की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं 15 अगस्त की शुभकामना दे रहा हूँ, 15 अगस्त की इस देश के बारे में यही कहना चाहूँगा, बहुत जोर है तेरा में, बहुत ताकत है तेरा में, अखंड है तो माँ कसम आप हमेशा आबाद रहेंगे, खुशियों से भरा जाएगा आपका हर दिन, यही दिल से दुआ दे रहा हूँ, नवाजुद्दीन ऑल द बेस्ट। सर लास्ट में सबके फेवरेट जो पुराने थे, बाकी कभी अभी ये मतलब चलते जा रहे हैं, चलते और मेरे बच्चों के बच्चे होंगे तब भी लोग इनको सुनेंगे, आप समझ गए सर? अच्छा है मेरा नाम नाना है, डबल ना, लेकिन टोटल नेगेटिव नहीं हो, मैं हमेशा कहता हूँ अच्छा है, हर बात के लिए कहता हूँ अच्छा है, क्योंकि मैं नेगेटिव नहीं हूँ, उल्टी खोपड़ी का जरूर हूँ लेकिन दिल का साफ हूँ। और इसी साफ दिल से कहना चाहूँगा, ये जो इंदौर वाले हैं वो मेरे दिल के अंदर रहे हैं, इंदौर अंदर है, अच्छा है। आप सबको 15 अगस्त की बहुत सारी शुभकामनाएं, आज़ादी मनाओ, अगर कोई बीच में आए तो अब्दुल उसको गोली मार देना, आई लव माई आइडिया। वाह यार सर क्या बात है, आपकी कॉमेडी एक नंबर, आपकी मिमिक्री एक नंबर, और आप जब हंसाते हैं तो सर लाखों करोड़ों जो फेस है, जो कहीं ना कहीं उदासी है, मायूसी है, काम का टेंशन है, पत्नी के खाए हुए डंडे का दर्द है, तो मेरे ख्याल से वो दर्द सब गायब हो जाता है। सर लास्ट में एक संदेश क्या देना चाहेंगे युवा को, जो कहीं ना कहीं सुन अपने आप में एक सुनील पाल को देखते हैं, जो कहीं ना कहीं स्टैंड अप कॉमेडियन है, मिमिक्री आर्टिस्ट बनना चाहते हैं? देखिए समय की इज्जत कीजिए, समय के साथ चलिए, जिसके साथ वक्त है, जिसके साथ वक्त है वही सच्चा देशभक्त है। क्या बात। और जो सच्चा देशभक्त है वो देश के लिए काम करेगा, और जो देश के लिए काम करेगा वक्त उसके साथ रहेगा। तो मुझे लगता है कि देश और वक्त दोनों का ध्यान रखिएगा, तरक्की तरक्की। क्या बात है, देश और वक्त दोनों का ध्यान रखिएगा, तरक्की तरक्की। थैंक यू सो मच सर आज हमसे बात करने के, कहीं ना कहीं टीवी के उस पर काफ़ी सारे लोग आपको देख रहे हैं और वो खुश हुए होंगे सर, और बिल्कुल सर का यूट्यूब पर चैनल भी है, मतलब आप सुनील पाल की चौपाल सब्सक्राइब कीजिए, सुनील पाल की चौपाल, बहुत सारे नए नए जोक्स उसमें देखने मिलेंगे आपको। तो भैया अभी तो रोज रोज तो सर हमसे इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ पे आएंगे नहीं, तो सुनील पाल की चौपाल पे जाइए और चौपाल पे आनंद लीजिए काफी सारी कॉमेडी का। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए, लव यू, आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, आप जियो हजारों साल, ये तहे दिल से दुआ दे रहे सुनील पाल, और साथ में देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।